class. Hope you're fine. We had completed our reading in previous lecture. Today we are going to start exercise. First of all, we did question answers. Lesson number 3. The name of lesson is Life in Desert and Forest Region. Question number 1. What are continental desert? बेटा क्वेश्चन आपके पास है कि कॉन्टिनेंटल डेजर्ट क्या होते हैं एंड हाउ आर दे फॉर्म, ये कहाँ पाए जाते हैं. कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स आर इन द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट. अब ये बरसगीर के मिडल में ये कॉन्टिनेंटल डेजर्ट होते हैं. मैंने आपको अपनी रीडिंग में इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन भी किया था कि जो कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स है वो कहाँ पे है. कॉन्टिनेंट क्या है, वो बरसगीर, वो जगह जहाँ बरसगीर है जहाँ उसके मिडल में आपके पास कॉन्टिनेंटल डेजर्ट है. विंड्स डू नॉट ब्रिंग रेन क्लाउड सो फार इनलैंड. अब जो वहाँ पे हवाएं हैं, यानी क्या वहाँ पे क्या होता है कि जो बारिश वाले बादल होते हैं, जो बारिश होती है, जो वहाँ की हवाएं हैं वो इनलैंड तक आने नहीं देती हैं. और इनमें कौन कौन से पाए जाते हैं, गोबी डेजर्ट, किजायतम, दस्तलत, ईरान. ये तमाम जो डेजर्ट्स के नेम है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ईरान में. और ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं, कॉन्टिनेंटल डेजर्ट की. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई इज द पॉपुलेशन ऑफ डेजर्ट रीजन आर सो लो. डेजर्ट में जो पॉपुलेशन है वो इतनी कम क्यों है. द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ डेजर्ट रीजन इज वेरी लो. आपको पता है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो डेजर्ट में बहुत कम होती है. वो वजह क्या है, हार्श क्लाइमेट, सख्त क्लाइमेट, यानी कि वो सख्त क्लाइमेट होता है, लैक ऑफ वेजिटेशन, हरियाली की कमी होती है वहां पे, एंड वाटर और पानी की, एंड द मोस्टली अनडेवलप्ड लैंड. आपको पता है डेजर्ट जो है वो अनडेवलप्ड है, डेवलप नहीं है, जिसकी वजह से जो लोग हैं डू नॉट अट्रैक्ट, इसमें जो है लोग जो है इसकी तरफ असरअंदाज नहीं होते हैं, सेटल कि वो वहां पे अपनी रिहाइश कर सके. ठीक है, इन सब वजूहत की वजह से, किन वजूहत की वजह से, हार्श क्लाइमेट, लैक ऑफ वेजिटेशन और वाटर, ठीक है, और अनडेवलपमेंट की वजह से जो लोग हैं यहाँ पे रिहाइश के लिए जो है वो सोचते नहीं, अट्रैक्ट नहीं होते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट सॉर्ट ऑफ वेजिटेशन वुड यू फाइंड इन आर डेजर्ट. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि किस किस्म की जो वेजिटेशन है वो डेजर्ट में पाई जाती है. डेजर्ट प्लांट्स हैव फ्यू लीव्स. अच्छा जी, डेजर्ट में प्लांट्स में क्या होते हैं, वो फ्यू लीव्स होते हैं और एंड थिक फ्लैशी स्टेम. थिक और फ्लैशी स्टेम होते हैं वो ऐसे स्टेम जो नोकदार हो, ठीक है, और इन्हें, इन प्लांट्स को क्या कहा जाता है आमतौर पर, दीज प्लांट आर यूजली स्पाइनी. ठीक है बेटा, ये नोकदार होते हैं, नोकदार मतलब इनमें कांटे भी होते हैं जो इनके पौधों को प्रिवेंट भी कर रहे होते हैं. द थिक स्टेम स्टोर वाटर. अब जो थिक स्टेम है, यानी कि जो उनका सख्त तना है, मांसिल मांसिल तना से भी हम कहते हैं, वो क्या करता है, ये पानी को स्टोर करता है. द स्पाइनीज जो है वो स्पाइन्स प्रिवेंट डेजर्ट. अच्छा, जो ये स्पाइनी दरख्त होते हैं, जो स्पाइन होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने डेजर्ट को प्रिवेंट करते हैं. अब वो प्रिवेंट किससे कर रहे होते हैं, एनिमल्स से फ्रॉम ईटिंग. अब वो एनिमल जो पौधों को खाते हैं उससे क्या होगा कि प्लांट भी क्या होता है, वो जैसे वो खाएंगे वो स्पाइन, जो उनकी वेजिटेशन है वो खराब होती है. तो जो ये स्पाइनीज होते हैं ये अपने पौधों को बचाते हैं ईटिंग एनिमल से. जो एनिमल्स जो है वो ईट करते हैं क्या चीज, प्लांट को. अच्छा, दीज आर रूट ऑफ डेजर्ट प्लांट. अब डेजर्ट प्लांट की जो जड़े हैं उस पर फैली होती है वेरी फार दूर दूर तक इन सर्च ऑफ वाटर. However, ताहम दे डू नॉट यूजली गो वेरी डीप. अब क्योंकि इनकी जो जड़ें होती है वो दूर दूर तक फैली होती है, जिसकी वजह से ये क्या होती है कि डीप नहीं होती, गहरी नहीं होती है. अब ये डीप नहीं होती, यानी ज्यादा जमीन के अंदर घुसी हुई नहीं होती है. डीप से मतलब ये है, सो डैट वेन इट रेन, यही वजह है कि जब बारिश होती है तो रूट्स कैन अब्सॉर्ब द वाटर बिफोर इट सोक्स इन टू ग्राउंड. इससे क्या होता है कि जड़े जो है वो जाहिर सी बात है इतनी डीप नहीं होती है, और जब बारिश होती है तो वो जो जड़े होती है वो पानी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं इससे पहले कि ग्राउंड जो है वो पानी को जज़ब कर ले. और हाउ हैज सऊदी अरेबिया बिकम अ रिच कंट्री. अब आपने बताना है कि सऊदी अरेबिया जो है वो रिच कंट्री कैसे बना, बिकम अ रिच कंट्री. सबसे पहले आंसर्स के पहले आप खुद अपने जिम्मे करें कि सऊदी अरब में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो रिच कंट्री है. सबसे अहम चीज़ है वो ऑयल, क्योंकि यहाँ पे क्या है जो है वाइटल सोर्स है ऑयल के. अब क्वेश्चन के आंसर्स की तरफ देखते हैं. सऊदी अरेबिया इज अ कंट्री दैट लाइज इंटायरली विद इन अ डेजर्ट. सऊदी अरेबिया जो है वो डेजर्ट के बिल्कुल बीचों बीच वाक़ है. देयर आर वास्ट अमाउंट ऑफ ऑयल. ऑयल की क्या है, बहुत ज़्यादा मिकदार है. और सऊदी अरेबिया सेल इट ऑयल ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो
पूरी दुनिया में ऑयल को सप्लाई करता है, बेचता है एंड फॉर गेट मनी, और क्या होता है, मनी हासिल करता है। ये वजह है कि वो एक रिच कंट्री है। नेम द साउथ अमेरिकन कंट्रीज विच हैव इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। आपने उन कंट्रीज के नेम बताने हैं, ठीक है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज के नेम बताने हैं जो कहाँ पे है, जिनमें इक्वेटोरियल जो है मौजूद होता है, इक्वेटोरियल है जहाँ पे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट साउथ अमेरिकन कंट्रीज में जहाँ जहाँ जो जो से शहर आते हैं उनमें यहाँ पे उन्होंने नाम दिए हुए हैं, वो क्या है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर फाउंड इन साउथ अमेरिकन कंट्रीज ऑफ इक्वेडर, कोलंबिया एंड ब्राजील। ये वो तीन कंट्रीज है जहाँ पे क्या पाया जाता है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई आर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट। अब इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर सो इंपॉर्टेंट टू द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बहुत अहम है, बिकॉज क्योंकि दे आर ऑलवेज एवर ग्रीन ऑल सीजन। यानी कि इक्वेटोरियल में जो पौधे हैं, जो जंगलात के अंदर जो पौधे हैं, वो क्या होते हैं, वो पूरा साल चाहे कोई भी सीजन आ जाए वो क्या रहते हैं, एवर ग्रीन, हमेशा ग्रीन रहते हैं। एंड प्रोवाइड अ वाइटल सोर्स ऑफ फूड एंड मेडिसिन। ठीक है, एक तो वो ग्रीन रहते हैं, दूसरा वो क्या मुहैया करते हैं, फूड और मेडिसिन, वाइटल सोर्स यानी काफी मात्रा में, एज वेल प्रिवेंटिंग सोयल एरोशन। और वो क्या प्रिवेंट करते हैं, सोयल एरोशन क्या होती है, एक जखीर जमीन का जो है बंजर कर देने से, वो जो है ना बंजर होने से जमीन को जो है प्रिवेंट करती है। क्यों प्रिवेंट करते हैं, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। डिफरेंस बिटवीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड टेम्परेट फॉरेस्ट। अब आपने इनका थोड़ा डिफरेंस बताना है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट क्या होता है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द साउथ अमेरिकन कंट्रीज ऑफ इक्वेडर, कोलंबिया एंड ब्राजील। ये आपने अपने क्वेश्चन में भी आंसर आपने पढ़ा था। These regions are also called hot water land. इन regions को मज़ीद क्या कहते हैं, hot water land कहते हैं। Temperate forest में वो क्या कहते हैं कि एक दो difference क्या पे हैं। Temperate forests are found in the north. Equatorial forest कहाँ था, South American countries, और temperate forest कहाँ पर है, North American countries. अब इनमें जो जगहें आती हैं जहाँ ये पाए जाते हैं वो कौन सा है, Upper USA, Canada और large part of Europe, यानी कि यूरोप का एक बड़ा सा हिस्सा शामिल है, एंड नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया। ये वो जगह है जो टेम्परेट फॉरेस्ट में है, और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में कौन सी थी, इक्वेडर, कोलंबिया एंड ब्राजील। थर्ड डिफरेंस देखेंगे, द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर रिच इन मेडिसिन, मेडिसिन पार्ट। आपको पता है कि आप में क्वेश्चन में पढ़ा था कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में दो चीजें वाइटल होती है, सोर्स होती है, एक फूड और दूसरा मेडिसिन। टेम्परेट फॉरेस्ट क्या कहता है कि दीज एरियाज आर क्वाइट कोल्ड, ये ठंडा होता है, एंड द फॉरेस्ट हैव आर आइदर कॉनिफर्स और अल्पाइन। इन फर्स में या तो एक वक्त में या तो कॉनिफर्स होते हैं या फिर अल्पाइन होते हैं।